नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। महीनों से बंगले को लेकर के जो जंग बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लड़ रहे थे, वह अंततः हार गए हैं। अदालत ने फैसला दिया है। अपने फैसले में अदालत ने तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले को खाली करने के लिए कहा है। बंगला विवाद को लेकर के जहां RJD भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं BJP का कहना है कि विपक्ष को राज्य हित से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। उनको बंगले के सियासत से बाहर आने की नसीहत दे रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द बंगला खाली कर देंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सम्मानित व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि वे बंगला खाली कर देंगे। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि बंगले का आवंटन नियमों के अनुसार ही होगा। महेश्वर हजारी ने कहा कि पहली बार विधायक बने नेता को सेंट्रल पुल का बंगला नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही तेजस्वी का बंगला खाली कराने के लिए पटना के DM को भी आदेश दे दिया गया है। जाहिर है कि महागठबंधन के सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने थे, नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे, RJD और JDU का गठबंधन था। उस समय उनको 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगला अलॉट किया गया था एज ए डिप्टी CM। लेकिन बाद में जब महागठबंधन की सरकार टूट गई तो सरकार ने उनसे बंगला खाली करने को कहा, लेकिन तेजस्वी यादव अपने जिद पे अड़े रहे और उन्होंने बंगला खाली करने से मना कर दिया। जिसके बाद तेजस्वी ने सरकार के इस फैसले को, बंगला खाली कराने के फैसले को, अदालत में चुनौती दी। वो उस समय भी अदालत ने उनको बंगला खाली करने के लिए कहा था। उसके बाद तेजस्वी ने फिर से दोबारा अदालत में चुनौती दी थी। ये दूसरी बार है जब तेजस्वी को अदालत से झटका लगा है। तो इस पर जाहिर सी बात है कि अब राजनीति भी शुरू हो गई है। RJD के समर्थकों और नेताओं में जहां इसको लेकर के नाराजगी है, वो लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार का कहना है कि जो पांच देश रत्न मार्ग स्थित जो बंगला है वो डिप्टी CM का बंगला होता है, उसमें डिप्टी CM ही रहेंगे। तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति भी होगी और इससे संबंधित और भी कोई अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।